हे दुष्ट परी, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मेरी सालों की तपस्या भंग हुई है, उसी प्रकार तू भी परीलोक से वंचित रहेगी और आजीवन भर इस धरती लोक पर मेंढक बन के रहेगी। भरतपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक गरीब किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। अजी सुनते हो, शाम को आते समय राशन लेते आना, घर में खाने को एक दाना नहीं है। हाँ भाग्यवान, ना जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो हम इतने गरीब हैं। ए जी, भाग्य को कौन बदल सकता है? जो भाग्य में होगा वो तो होगा ही, हम कर भी क्या सकते हैं? चलो तो भाग्यवान, मैं चलता हूँ जंगल में भेड़ों को चराने। शाम को आते समय खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। तभी रमाकांत भेड़ों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। हे भगवान, मैं आज शाम तक खाने का इंतजाम कैसे करूं? घर पर मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। अरे, ये चिड़िया को क्या हुआ? हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? इन बेजुबानों का कोई सहारा नहीं, काश मैं इनका दर्द समझ सकता। अरे, ये भेड़ें अचानक चिल्ला क्यों रही हैं? तभी रमाकांत भागकर भेड़ों के पास जाता है तो उसकी एक भेड़ जमीन पर पड़ी हुई थी और दर्द से तड़प तड़प कर मर जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? तुम कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तो मैं वैसे ही गरीब हूँ, ऊपर से ये भेड़ और मर गई। मैं अब क्या करूँ? काश मुझे भी इन बेजुबानों की भाषा आती तो आज मैं इस भेड़ और उस चिड़िया की जान बचा पाता। तभी रमाकांत भेड़ों को लेकर घर की ओर निकल जाता है कि तभी उसकी नजर अचानक से एक सांप पर पड़ जाती है। वह एक मेंढक को चारों तरफ से घेर रहा होता है और मेंढक को खाने ही जा रहा होता है। तभी रमाकांत उस सांप को भगा देता है और उस मेंढक की जान बचा लेता है। तभी मेंढक एक परी का रूप ले लेती है। कहाँ हो आप? मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो गई। कैसा श्राप देवी, मैं कुछ समझा नहीं। 100 साल पहले की बात है, मैं अपनी सहेलियों के साथ इस जंगल में घूमने आई थी। अरे मेरी सखियों, देखो यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल हैं और कितना सुंदर दृश्य है। तभी वहाँ तपस्या कर रहे साधु की तपस्या भंग हो जाती है और साधु गुस्से में आग बबूला हो जाता है। कौन है, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करी? सामने आओ। साधु उन सभी परियों को देख लेता है। हे दुष्ट परी, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मेरी सालों की तपस्या भंग हुई है, उसी प्रकार तू भी परीलोक से वंचित रहेगी और आजीवन भर इस धरती लोक पर मेंढक बन के रहेगी।
नहीं नहीं साधु बाबा, ऐसा अनर्थ मत करो। मुझे अनजाने में ये भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए साधु बाबा। हाँ हाँ बाबा, हमें माफ कर दीजिए, कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। साधु सारी परियों की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वह बोलते हैं, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस श्राप का समाधान बताता हूँ। जब भी कोई सच्चा व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। तुम ही वही सच्चे व्यक्ति हो जिसने मेरी मदद की है और मैं इस श्राप से मुक्त हो गई। अच्छा देवी, अब मैं समझा, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हुई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? देवी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं यह वरदान चाहता हूँ कि मुझे सारे जीव जंतु की भाषा समझ में आ जाए, जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। क्योंकि इस संसार में उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। अगर मुझे उनकी भाषा आ जाएगी तो मैं उनकी मदद कर सकूंगा। परी उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रमाकांत, तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से तुम सभी जीव जंतु की भाषा समझ जाओगे और बोल भी लोगे। तभी परी वहाँ से चली जाती है और रमाकांत अपनी भेड़ों को साथ लेकर घर वापस आ जाता है। अगले दिन रमाकांत फिर जंगल की ओर जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे अचानक एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे जाता है। वह झाड़ी के पीछे छुपकर देखता है कि एक गाय पिंजरे में फंसी हुई है। तभी वह वहां जाता है। अरे गौ माता, आपको पिंजरे में किसने बंद करा? हे मनुष्य, तुम मेरी मदद करो। मुझे कुछ शिकारियों ने इस पिंजरे में बंद कर दिया है। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी रमाकांत उस पिंजरे से गौ माता को बाहर निकाल देता है। मनुष्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की। अगर आज तुम ना होते तो मैं शिकारियों द्वारा मार दी जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचाओ बचाओ, कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है? भी रमाकांत उस आवाज को सुनता है और बोलता है, कौन है जो सहायता की आवाज लगा रहा है? वो उस आवाज के पीछे जाता है। तभी वह देखता है कि एक शेर शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है। तभी शेर उसे देखकर बोलता है, हे मनुष्य, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या तुम इस जाल से मुझे बाहर निकाल सकते हो? तुम इस जाल में कैसे फंस गए? मैं यहाँ से पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक मेरा पैर इस जाल में फंस गया, जिसे शिकारियों ने बिछाया था। रमाकांत शेर को उस जाल से बाहर निकाल देता है। हे मनुष्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं शिकारियों का शिकार बन जाता। शेर ये कहकर वहाँ से चला जाता है और रमाकांत पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, हे प्रभु, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? अगर मैं शाम को कुछ खाने के लिए नहीं लेकर गया तो मेरी पत्नी निराश हो जाएगी। काश मैं उस परी से वरदान में धन मांग लेता तो मेरी ये हालत नहीं होती। मैं सुकून से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता। रमाकांत की ये बात गौ माता भी पास में खड़ी सुन रही थी और रमाकांत से जाकर बोलती है, हे मनुष्य, तुम इतने चिंतित क्यों हो? रमाकांत गौ माता को पूरी बात बताता है। पुत्र, तुम चिंता मत करो,
तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। तुमने मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कैसे करोगी गौ माता? देखो पुत्र, गौर से सुनो। इस जंगल के बीच में एक गुफा है। उसी गुफा में बहुत सारा खजाना है जिसे तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। किंतु पुत्र एक समस्या है। कैसी समस्या गौ माता? उस गुफा की रखवाली एक शेर करता है। आप चिंता ना करें माता, आप उस गुफा का पता बता दीजिए। गौ माता उस जगह का पता बता देती है और वहां से चली जाती है और रमाकांत भी उस गुफा की ओर चला जाता है। तभी रमाकांत उस गुफा के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि वो शेर वहां सो रहा होता है। तो वो उस शेर के पास जाता है और अनुमति मांगता है। हे जंगल के राजा, कृपया करके मुझे इस गुफा के अंदर जाने की अनुमति दें। कौन दुष्ट है जिसने मेरी नींद खराब करी? क्षमा कर दीजिए महाराज। अरे मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी रमाकांत उसे अपनी सारी बात बताता है। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है रमाकांत, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तुम इस गुफा में जा सकते हो, जितना धन तुम्हें चाहिए उतना तुम ले जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत उस गुफा से बहुत सारा धन लेकर अपने घर चला जाता है और वह अपना जीवन हंसी खुशी बिताता है और जीव जंतुओं की हमेशा मदद करता है।